अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप YouTube से कितना कमा लेते हैं, इसके अलावा YouTube आपको कितने व्यूज़ पर एक डॉलर देता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ चैनल पर व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आते हैं लेकिन अर्निंग बहुत ही कम होती है, और कुछ चैनल पर व्यूज़ कम आते हैं लेकिन अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आज अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, और बाकी आप ख़ुद भी नोट कर लेना। तो बस वीडियो को एंड तक आप लाजमी से देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर लेना ताकि आप लेटेस्ट वीडियो देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे चैनल्स की जिन पर व्यूज़ तो बहुत ही कम आते हैं लेकिन अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप YouTube SEO के बारे में जानते हैं, आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपकी वीडियो जब रैंक कर जाती है YouTube उसको रेकमेंड करता है, ज़ाहिर सी बात है व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसे चैनल जिन पर व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आते हैं लेकिन अर्निंग कम होती है, उनमें मैंने ये बात नोट की है कि वो अक्सर जो है वो गूगल पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अर्निंग जब ज़्यादा होती है तो आपको चाहिए कि उसमें जो है वो वीडियो क्लिप यूज़ करें। मैंने ऐसा ये बात नोट की है ख़ुद से कि ऐसे चैनल जो वीडियो क्लिप यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में, नो कॉपीराइट वीडियो कोई भी क्लिप आप यूज़ कर सकते हैं उससे रिलेटेड, और उनकी जो है वो अर्निंग ज़्यादा होती है, उन पर एड्स ज़्यादा आते हैं। दूसरी तरफ जो लोग पिक्चर्स यूज़ करके उस पर वॉइस ओवर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस पर एड कम आते हैं, अर्निंग कम होती है। अब मेरा दोस्त भी है, उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसने मुझे दिखाया कि उसके व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा थे लेकिन अर्निंग इतनी कम थी कि मुझे खुद से भी अजीब लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने ये बात नोट की कि उसमें वाकई ही ये मसला है कि उसने पिक्चर पर वॉइस ओवर किया था, ठीक है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस था जो कि दूसरी वीडियो में उसके 28,000 व्यूज़ थे जबकि दोस्त की वीडियो पर 49,000 व्यूज़ थे, लेकिन 28,000 व्यूज़ जिसकी वीडियो पर थे उस पर अर्निंग ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, और जो मेरे दोस्त की थे उसकी अर्निंग बहुत ही कम थी। तो मुझे ऐसा लगा, बाकी आप ख़ुद से भी ये बात नोट कर लेना। आप देखेंगे, आप दो वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं, एक फेस कैम या स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दें और एक वीडियो आप पिक्चर पर अपलोड कर दें वॉइस ओवर करके, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वीडियो आपने क्लिप यूज़ किया है जिसमें आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ किया या फेस कैम, उस पर आपको अर्निंग ज़्यादा होगी बनिस्बत आपको पिक्चर्स की वीडियो पर, ठीक है, उस पर आपको अर्निंग जो है वो बहुत ही कम होगी। और बाकी यार यूट्यूब के बारे में आप पूछते हैं कि कितना कमा लेता हूँ, देखिए अभी तक तो मैंने सिर्फ फर्स्ट पेमेंट ली है, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह अगली पेमेंट भी जल्द ही निकाल लेंगे। और आप अक्सर ये बात पूछते हैं कि कितने व्यूज़ पर आपको एक डॉलर मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ तकरीबन 2,000 व्यूज़ पर मुझे जो है वो एक डॉलर मिल जाता है, कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, बल्कि कम ही मिल जाता है, तकरीबन 1,800-2,000 इतने मिल जाता है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर अच्छे से अर्निंग हो जाती है, आप काम करें, मेहनत करें, कामयाब हो जाएंगे। तो बस यही थी आज की वीडियो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।